Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग को देखने वाले हैं मीम मिंगल चैनल से वाक्या सीन है एपिसोड 79 ट्रेंडिंग मीम्स डैंक मीम्स इंडियन मीम्स कंपाइलेशन. लेट्स एंजॉय दिस वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट. डिप्रेशन की ऐसी तैसी ये देख के डिप्रेशन हट गया है ना. इलेक्शन चाहे जो भी जीते, ठीक है, चाहे वो बीजेपी जीते या चाहे वो कांग्रेस जीते या कोई भी जीते, राज तो तुम पे मैं ही करूंगी. पे तुम चल रहे हो बेटा, भाई गजब के मूव्स हैं. एक दिन पूरी तरह फंसोगे. सर जी थोड़ा सा सबर कीजिए, चटनी खत्म हो गई, निकालने में 5 मिनट लगेंगे. सब लोग सरदर्द को क्यों देखना है लोगों को. साथियों, 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरह देख. भाई इसने तो केंद्रीय विद्यालय का नाम बर्बाद कर रखा. रूह कट के ले गई है, तू जहन च बह गई है, ओ आफत बह गई है. बिल्लो हंस ले ता दिल जा खिड़दा नहीं लेखे. अरे यार तसल्ली से मिलेगा आइटम. देखो मैडम तसल्ली से बना रही है, इतनी भीड़ लग रही है ना सारी. मैम तो पैसे तो आप काट लो, बट ऐसे तभी काटती हूँ जैसे माल हाथ में देती हूँ. अच्छा, आजादी के बाद ही देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ाया. मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली. अच्छा जी, हाँ वाकई इतने सालों से तो कोई चल ही नहीं रहा था कुछ. कुछ भी लगा दो. इलेक्शन चाहे जो भी जीते, ठीक है, चाहे वो बीजेपी जीते या चाहे वो कांग्रेस जीते या कोई भी जीते, राज तो तुम पे मैं ही करूंगी. मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं. बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है. संबित जी आपसे सवाल. सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है. मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ. वहाँ बेरोजगारी चरम पे है, पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है. तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे है. जवाब दीजिए संबित. रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है. आप इस डाइवर्ट करते हैं. आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं. आप बीच में दुख 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 क्यों बजा? It was just a dream. I would rather die than let you go. Juliet, Romeo. India का प्रधानमंत्री कौन है? अम्मा. मौका चल मार दुना जी पर ताए पहन से दुबार अपना इंडिया फ्रेंड बेलपा लाओ खेत लेकिन बाहर पहन से तू तेरी माँ की चुदो लगभग उसको सिंह कल्याण चाहते तुरंत दे. Remember to Dr. Jhatka.
बिल्कुल चाइल्डहुड मेमोरीज सबके सड़ा दो। आपको क्या लगता है मोदी जी गांधी जी के बराबर है कि नहीं है? मोदी गांधी जी को तो नहीं जानती, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। शाबाश बेटा, गांधी जी को जानती ही नहीं है। पढ़ा तो होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है गांधी मोदी के बराबर हैं या मोदी गांधी के ऊपर हैं या गांधी मोदी से नीचे हैं? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही हैं। क्या बोला तूने? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही हैं। मैं कब हो गया भाई? मैं पार्शियल हूँ, ठीक है? कब हुआ? कब? मैं पार्शियल हूँ। कोच अच्छी है। देखो मैं इस चीज में मैं पार्शियल ही हूँ, ठीक है? देखो मैंने गांधी जी की जो बुक है, ठीक है, वो भी पढ़ी है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। आजकल की जो कंडीशन है वो तो देख ही रही हूँ, ठीक। तो इस हिसाब से मैं ना किसी को सही कह सकती हूँ ना किसी को गलत कह सकती हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ में पार्शियल हूँ कि उस वक्त के हिसाब से जो भी लोग सही थे, लेकिन इस वक्त के हिसाब से कौन सही है कौन गलत है ये जनता बेहतर जानती है ना। ये ऑडियंस बहुत अच्छी तरीके से जानती है, पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ठीक है? तो अभी तक क्या हुआ, ठीक है, आगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, ये कोई संभावनाएं कोई डिसाइड नहीं कर सकता, है ना। कोई भी फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो उसी के बेसिस पे मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ भैया मैं पार्शियल। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।